फ्यूजन डिशेज सबको बहुत पसंद आती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, और अगर आपको भी पसंद है तो आइए आज बनाते हैं। तो आशात स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ इंडियन स्टाइल वेज मैक्रोनी की रेसिपी। लंच हो या डिनर या स्नैक्स, कभी भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार है, सुपर टेस्टी है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉसपैन में मैंने डाल दिया है 2 से 3 कप के लगभग पानी, और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। पानी के बॉयल होने पर इसमें डाल देते हैं 1 बड़े बोल एल्बो पास्ता। मैक्रोनी के लिए ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है, और इसे हमें कुक करना है 7 से 8 मिनट तक। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये पैन के तले में चिपके ना। इसे ओवर कुक नहीं करना है हमें। एक नाइफ़ की हेल्प से इसे हम चेक करते हैं, आसानी से कट रहा है, ये हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं, और इसमें से मैं थोड़ा सा पानी निकाल कर अलग कर रही हूँ, जिसका यूज़ बाद में करेंगे। और कुक मैक्रोनी को हम पानी में से छान कर अलग करते हैं और थोड़ा सा ठंडा करते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं 1 से 2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और 1/2 छोटा चम्मच ऑरिगेनो हर्ब्स। इन सब को अच्छी तरह से टॉस करते हैं और अभी एक साइड में रखते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर एक पैन लेते हैं, गरम करते हैं, डाल देते हैं 2 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए, इसमें 12 से 15 बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां डालते हैं, कुछ सेकंड तक सॉटे करते हैं। 2 प्याज थिनली स्लाइस किए हुए डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भूनते हैं। अब कुछ सब्जियां ऐड करते हैं, जैसे कि 2 बड़े चम्मच बीन्स, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ ब्रोकली, 1/2 गाजर बारीक कटा हुआ, 1/2 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 3 से 4 बड़े चम्मच कॉर्न के, 1 टमाटर डिसीडेड क्यूब्स में कटे हुए, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इन सब को एक साथ हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। ऐड कर लेते हैं 1 छोटा चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस। इन सब को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और लगभग 1 मिनट तक भून लेते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने तैयार करके मैक्रोनी रखी है उसे। इसे भी अच्छी तरह से हम टॉस कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 2 बड़े चम्मच मेयोनीज के, 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, 1 बड़ा चम्मच ऑरेगानो हर्ब्स या मिक्स हर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, और 1 छोटा चम्मच ऑल पर्पज सीजनिंग। और इन सब को एक साथ अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर टॉस कर लेते हैं, और जो पहले पानी हमने बचा कर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। फाइनली इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। अच्छी तरह से इसे भी टॉस कर लेते हैं, और वेज मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है। सर्व कर लेते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म, और गार्निश कर लेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ। आहा, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप भी ट्राई करें, कमेंट में अपने फीडबैक देते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।